अभी भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है क्या बताऊं? निकाल दिया मैंने, सो मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। आप बताओ, आप कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस की कोई प्रॉब्लम अब आ रही है क्या आपको? क्या आप किसी को किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? अभी नहीं होगी। आप फटाफट से पहले प्रश्न का उत्तर दे दो, जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। कामिनी जी धन्यवाद आपका। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए, मगर आप ये चैप्टर पढ़ के नहीं आएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है मुझे ही देना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। सो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, LDR का। अगला प्रश्न देखें, सिलिकन सेमी कंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? जो आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड है यानी कि SCR, वो किस, हाँ पहले का डी चलिए, वो किस कोड को इंगित करता है? OA79, BY126, IN4007 या 2N3055? बताएं किस कोड को इंगित करता है सिलिकॉन कंट्रोल डायोड। यानी कि ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल डायोड को हम किस कोड से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन भी इसका हो सकता है। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपकी किताब में नहीं थे, है ना, ध्यान हो। अगर किसी बच्चे ने इससे पढ़ा हो तो आप जब किताब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं थे। अब ये नए क्वेश्चन आए हैं ना, तो इन्हीं क्वेश्चन को अपने को अच्छे से याद करना है। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, BY126। बिल्कुल यश यादव का सही है पवन, अपने को नहीं पता था। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि गलत है। BY126 अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, बट आज ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, BY126। कामिनी जी क्या क्लास में प्रेजेंट है? कामिनी जी क्लास में प्रेजेंट है या चले गए? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? जो आपने फुल वेव रेक्टिफायर देखा होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम फिन भी कहते हैं, इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी जिसे फिन भी कहा जाता है वो, चलिए खुशबू कुमार जी गुड मॉर्निंग, इसे फिन भी कहा जाता है, बताइए। अब ये क्या है? फिन इजिकल टू 1/2 ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिन इजिकल टू फिन, फिन इजिकल टू टू फिन या फिन इजिकल टू फिन, और बी और सी तो एक ही सेम ऑप्शन है। सो तीसरे का सही ऑप्शन क्या होगा? सो बी और डी तो सेम ऑप्शन है, तो ये तो हो गए नहीं, सी। ओके यश यादव का आंसर आ गया है सी। बाकी लोग आंसर देना चाहते हैं क्या? ये भी आपके सिलेबस में जब हमने बुक पढ़ी थी, हमारी वाली बुक में तो नहीं था, मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ। अब आप लोगों ने पढ़ा हो तो अलग बात है। बिल्कुल अभी तो इसका सही आंसर है, फिन इजिकल टू टू फिन इसका सही आंसर होगा, यानी कि इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी, इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। अगला बताएं कि एक एक्टिव कंपोनेंट यानी कि जिसके अंदर एनर्जी होती है, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चौथे नंबर का। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट के अंदर खुद से कुछ एनर्जी होती है, जबकि पैसिव कंपोनेंट के अंदर जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे वो काम नहीं करते हैं। तो बताएं कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है और कौन सा पैसिव कंपोनेंट है, यानी कि अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं इन चारों में से एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, सर पढ़ा था, हाँ ओके वेरी गुड, पढ़ा होगा आपने, मुझे ध्यान नहीं हुआ, हो सकता है आजकल काजू बादाम कम खा रहे हैं तो याददाश्त कमजोर हो गई थोड़ी सी। नंदलाल जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? डी ऑप्शन बिल्कुल, प्रियंका कुमारी जी का बिल्कुल सही है, ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट, जबकि इंडक्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटर RLC, ये जो था ना RLC, ये तीनों पैसिव कंपोनेंट के अंदर आते हैं। सो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बिल्कुल, और आपको बता दूं मैंने आपके लिए मैथ्स का पहला चैप्टर की वीडियो बना ली है, ठीक है? सो जो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक
ठीक है, क्या है कि वो भी मैंने ऑफलाइन बनाई है तो काफ़ी बड़ी हो गई है, 2.5-3 GB की, तो अपलोड करने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं जल्दी अपलोड करके आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, कौन सा अक्षर कैडमियम सल्फाइड को, जो कैडमियम सल्फाइड होता है उसे किस अंक अक्षर से सूचित किया जाता है, A, B, C या R? A, B, C या R कैडमियम सल्फाइड को किससे सूचित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। कंपाउंड मटेरियल है, देखिए कैडमियम अलग है सल्फाइड अलग है, तो कैडमियम और सल्फाइड दोनों को एक साथ इंगित करना है, तो कौन से यौगिक का प्रयोग करूंगा, A, B, C या R बताएं। जल्दी से आंसर देंगे, क्या बात है आज छात्र संख्या काफी कम है। C, 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 D, खुशबू कुमारी जी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ये कंपाउंड मटेरियल है, कैडमियम और सल्फेट दोनों वैसे अलग अलग मटेरियल, बट यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहा है, तो यहाँ मैं इसे R से इंडिकेट करूंगा। कौन से अक्षर से इंडिकेट किया जाएगा? R अक्षर से इंडिकेट किया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, R से इंडिकेट किया जाता है, समझ गए? चलिए समझ गए, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सिंबल का नाम बताने, देखो ये सिंबल दिख रहा है आपको आंखों के सामने, दिख गया, इसका नाम बताओ ये क्या है? टू इनपुट और गेट, टू इनपुट तो है ठीक है, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट या नैंड गेट, ध्यान से चीज देख लेना ठीक है ना, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें, मैं बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं देखूंगा। और एंड, नॉर, नैंड, छठे का सी। चलिए खुशबू कुमारी जी ने आते ही गलती कर दी है। खुशबू जी पहले तो मैं बता दूं, ये जो ना ये एंड गेट का सिंबल होता है एक्चुअली में, ठीक है, नॉर गेट का नहीं है, और या नॉर गेट का ना इस तरीके से होता है, ठीक है, अब बबल वगैरह जिसमें भी लगता है, ये एंड गेट है। अभी एंड को नैंड बना रखा है या एंड ही है ये बताएं, ये एंड गेट है नैंड गेट है? ऑप्शन B या D में से सही उत्तर होगा इसका। क्या कर रहे हो, एक तो आज मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, काफी कम बच्चे आए हैं, वरना रोज 9 से 10 बच्चे तो होते ही थे। अभी अभी जो आया ना एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन अभी अभी क्लास में आया है, और वीडियो को लाइक तो अभी तक किसी ने कराई नहीं है, मतलब शिक्षक दिवस के अवसर पर भी वीडियो को लाइक नहीं करा आप लोगों ने। चलिए महेश जी, चलिए गुड मॉर्निंग महेश जी, लेट हो गए थोड़ा सा आप, 10 मिनट लेट हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? नैंड गेट, ये एक नैंड गेट है। देखिए अगर ये इतना डायग्राम होता ना तो ये एंड होता, बट यहाँ पे बबल लगा देना, बबल लगा दिया यानी कि मतलब बार लग जाएगा और ये हो जाएगा एंड से नैंड गेट बन गया, क्लियर है? अब बताइए पैसिव कंपोनेंट कौन सा है इसमें से? 7वां प्रश्न देखेंगे, डायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इन सब में से पैसिव। अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं देगा क्योंकि अभी अभी मैंने बता दिया था ऊपर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देंगे सभी लोग, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जल्दी से देने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस एक पैसिव कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से आंसर दो, अब ये सिंबल देखो, इस डिवाइस को देखो और इसका आंसर दो, क्या ये SCR है, IGBT है, डायग है, ट्रायग है? देखो 8वें प्रश्न का उत्तर देंगे, सबसे पहली बात ना तो SCR में ना ही IGBT में किसी भी तरह का, किसी भी तरह से दो डायोड SCR को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, तो ए और बी तो सीधी गलत हो गया, और आप सभी लोग ये जानते हैं कि या तो ये डायग है या ट्रायग है, आप बताओ डायग और ट्रायग में मुख्य अंतर क्या होता था? और इस उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग 8वें क्वेश्चन का, ज्यादा हार्ड नहीं है गाइस, इजी क्वेश्चन है,
चलिए, प्रियंका कुमारी जी का आंसर आ गया है डी। अन्य लोग भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप सभी लोगों को 50-50 वाली लाइफलाइन मिल गई है। दो गलत उत्तर मैंने यहाँ पे हटा दिए। कई क्वेश्चन में मैं आपको 50-50 वाली लाइफलाइन दे देता हूँ। अब ये क्वेश्चन ऑडियंस पोल पे गया है, बेस्ट आंसर दिया जाएगा। चलिए, खुशबू कुमारी जी और महेश जी का आंसर डी सी आ चुका है। चलिए, आज नींद बढ़िया रही। नंदलाल, चलिए नंदलाल, कुलदीप सत्यनारायण को भी बता दो। कुलदीप और सत्यनारायण को बता दो दशीश ग्रुप में। एक बार आपका जो ग्रुप है ना, वहाँ पे वीडियो पे शेयर का एक आइकन होता है, एरो बना रहता है इस तरह का, तो वो शेयर पे जाके आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों को पता पड़ सके। नंदलाल, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो डी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ये डायग है, अगर इस पर ये सिंबल होता ना, इस तरह से एरो निकला होता तब ये ट्रायक होता, बट अभी ये क्या है, डायक का सिंबल है। तो डायक और ट्रायक के सिंबल मैंने अच्छे से बताए थे, उसके बावजूद कई बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। तो ऐसी नादानी नहीं करनी बबुआ, ठीक है, ऐसी नादानी नहीं करनी। अब देखो, सबसे इजी क्वेश्चन आज की क्लास का आ गया है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 6, 8, 12, 16। कितना इजी प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न तो दुनिया में आज तक कोई बना ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत देता है तो आप देखिए आईटीआई में पास होने लायक नहीं हो। अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर गलत देता है और मेरा पढ़ाया स्टूडेंट है तो भैया कतई मुझे शर्म करने वाली बात है अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हो। खुशबू कुमारी जी, आपने तो मुझसे थोड़ी पढ़ी नहीं है और फिर भी मुझे शर्म महसूस हो रही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दिया है 6A। प्रियंका जी, आपने भी थ्योरी नहीं पढ़ी और आप पढ़ के भी नहीं आए। एक बार प्रियंका जी और खुशबू जी, आप मेरे डिजिटल वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो आप एक बार जरूर पढ़ें। और यश जी, बहुत अच्छी भयानक है, ठीक है, पढ़ के आना, चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो घर पे जाके। क्या नहीं पढ़ोगे तो ऐसी हाल होंगे, ऐसी गलत उत्तर दोगे। हेक्सा, हेक्सा यानी कि 6, तो सब लोगों ने आंसर दे दिया। अरे ये डेसिमल भी तो है, यानी कि 10, 16 हो गया ना आंसर। हेक्साडेसिमल हमने 4 ही तो पढ़े थे, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी क्या था, 0 और 1, ठीक है, बाइनरी में 2 होते थे, ऑक्टल में होते थे 8 नंबर, डेसिमल में 10 नंबर होते थे और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते थे। कहाँ ध्यान है यार आप लोगों का। अब डिलीट करने से क्या है, क्वेश्चन डिलीट कर दिया उससे क्या अर्थ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में 16, 6 आंसर दे रहे हो यार, क्या ऐसे कैसे काम चलेगा। अब बताओ मैंने क्या बोला, सबसे इजी क्वेश्चन था, और अगर आप इस सबसे इजी क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी, ऐसे इतनी जल्दी विचार ही नहीं कर रहा, मैंने बोला ना इतनी जल्दी आंसर देना ही नहीं है, मेरा तो काम है बोलना जल्दी जल्दी जल्दी, मगर सोचने के बाद जल्दी आंसर दो। तो अब आप देखो पढ़ के नहीं आ रहे हो। अच्छा, कौन कौन है जिसने एक दो वीडियो भी, भले इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने 5-6 चैप्टर कराए हुए हैं, तो उनमें से कोई भी एक चैप्टर अगर कोई बच्चा पढ़ के आए तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कोई पढ़ के आएगा, जेन्युइनली बताना। अगर कोई पढ़ के आए तो यस सर, और नहीं पढ़ के आए तो नो सर कमेंट करें, पता तो पड़े भाई अगर आप पढ़ के आए हो नहीं आए। और वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा, एक बार वीडियो बंद करो और देखो लाइक कराए नहीं कराए यार, वीडियो को तो लाइक कर दिया करो कम से कम। आप लोग ऐसे कर रहे हो ना तो मैं मास्क लगा लेता हूँ, लो मास्क लगा लिया, फटाफट से वीडियो को लाइक करो तभी अपना मास्क उतरेगा। प्रियंका जी पढ़ के आए थे, प्रियंका जी कौन सा चैप्टर पढ़ के आए थे कमेंट करके बताएं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, अच्छा, डिजिटल वाला नहीं पढ़ा अभी तक आपने, खुशबू जी और प्रियंका जी, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी कल का टाइम था, आज का टाइम है, आज मुझे जितना हो सके कम से कम आप 4 से 5 वीडियो देखेंगे, एक एक घंटे की हो चाहे कितने भी हो, आज आप 4 से 5 वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। आज तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ बट कल से अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के, बिना कोई इनपुट दिए एसी सिग्नल उत्पन्न करेगा, फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट या ऑक्सीलेशन सर्किट। मतलब आप उसे इनपुट में इसी इनपुट नहीं दे रहे हो, बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करेगा, कौन सा सर्किट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देंगे सभी लोग।
क्या ऑप्शन आया? ए ए ए गलत। फिल्टर सर्किट तो क्या है, डीसी पल्सेटिंग डीसी को फिक्स डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीलेटर सर्किट। ऑक्सीलेटर सर्किट बिना सप्लाई दिए भी हम एसी सिग्नल उत्पन्न करवा सकते हैं। ऑक्सीलेशन सर्किट में बिना इनपुट दिए हम लोग एसी सप्लाई उत्पन्न करवा सकते हैं, किसमें? ऑक्सीलेटर सर्किट में। सो ध्यान रखें इस तरह की छोटी मोटी गलतियां ना करें। कुलदीप जी स्वागत है, कहाँ बिजी हो गए थे? नंदलाल मैसेज कर दिया क्या आपने? कुलदीप मालुका को और सत्यनारायण को, देवाशीष को मैसेज कर दिया क्या? अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड। यानी कि कोई भी आपने किसी भी चीज का टेस्ट करा तो उसे विजुअली आपको दिखाता है, वो कौन सा उपकरण है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, फंक्शन जनरेटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कि CRO, या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। टेस्ट करिए क्वांटिटी या मेजर करिए, उसे आपको दिखाने का कार्य कौन सा इक्विपमेंट करता है? 11वें प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। चलिए आवे कोनी, कुलदीप मालुक और सत्यनारायण तो आते हैं, और नंदलाल तुम भी आज पढ़ के तो आए नहीं हो, है ना? 11वां क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी नापते नापते उसको स्क्रीन पर कौन सा उपकरण दिखाता है। हाँ CRO, खुशबू जी का बिल्कुल सही है। CRO एक उपकरण है जहां आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, ठीक है? CRO में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CRO। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? CRO। क्लियर गाइस, क्या सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर हो जाएगा CRO। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो डायग्राम, ये कौन सा एम्पलीफायर है? कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, सॉरी क्लास बी एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या क्लास ए बी एम्पलीफायर? क्लास ए बी पुशपुल एम्पलीफायर, बताइए। आंसर तो आपको बताया हुआ है इसका, ठीक है ना? पढ़ाया हुआ भी है, डायग्राम बोला था, इतने तो डायग्राम याद करने ही पड़ेंगे। क्या हुआ आंसर दे? 12 का ए। चलिए खुशबू कुमारी जी का आंसर है, खुशबू जी। और ये वाला चैप्टर शायद लास्ट में, खुशबू जी ये वाला चैप्टर शायद लास्ट में, कोई बात नहीं। खुशबू जी, प्रियंका जी और यश, कुलदीप, नंदलाल, पवन, यश सभी लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। गलत आंसर है आप लोगों का बी, ये क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर का डायग्राम है। जो सर्किट दिखा रखा है ना, ये क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर का सर्किट है। देखिए क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर का सर्किट आपके सामने दिखाया गया है। क्लियर है ना? ये डायग्राम याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया कि एक ऑक्सीलेटर सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो अभी टेलीग्राम पे लोग विश कर रहे हैं टीचर्स डे, ये कौन सा लेसन है? ये लास्ट वाला लेसन है, ठीक है ना? जो एम्पलीफायर वगैरह वाला चैप्टर है, मल्टी वाइब्रेटर और एम्पलीफायर वाला चैप्टर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीलेटर सर्किट की किसी की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 2 पाई LC, 1/√2 पाई LC, 1/2 पाई √LC या फिर डी ऑप्शन है 1/LC अपॉन √2 पाई। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और चाहूंगा कि इसका क्वेश्चन सभी लोग दे जल्दी से। क्या चाय पीनी पड़ेगी आज? नींद तो बहुत आ रही है। अरे यार क्या, आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था, 1/2 पाई √LC बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? ये बताया है कि नहीं बताया? बताया था ना? गुड मॉर्निंग वीणा जी,
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आते जाते आंसर गलत कर रहे हो तो बहुत दुख होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खुशबू कुमारी जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए बेस इमिटर जंक्शन में, जो बेस इमिटर जंक्शन है ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं। अच्छा ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फिर भी। अच्छा आपने पहले भी नहीं पढ़ा, आपके टीचर से शायद पढ़ा नहीं होगा, तो खुशबू जी आज आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। घर जाके जितना टाइम हो सके, अभी सॉरी घर पे ही हूँ, आप वीडियो डाउनलोड करके रख लेना तो आपका डेटा कम कंज्यूम होगा, ठीक है। वीडियो डाउनलोड कर लेना, डेटा कम कंज्यूम होगा, फिर आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए तो बताएं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए बेस इमिटर जंक्शन में कम से कम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0.2 से 0.3, 0.4 से 0.5, 0.6 से 0.7 या 0.8 से 0.9? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे सभी लोग। सिलिकॉन और जर्मेनियम का दोनों का मैंने आपको वोल्टेज बताया था, सिलिकॉन का था 0.2 से 0.3 और सॉरी जर्मेनियम का था 0.2 से 0.3 और सिलिकॉन का वोल्टेज क्या था? 0.6 से 0.7। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी होगा। खुशबू जी इसका आंसर होगा सी, ये पहला ही चैप्टर है खुशबू जी, ये चैप्टर तो पहला ही पहला था तो आपको इसका आंसर तो आना ही चाहिए था। चलिए देखिए, चार रंग हैं, रंग बैंड है लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होगा? सो ये क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ द लीग है, ठीक है। चार आपको पता है रेजिस्टेंस में अलग अलग कलर होते हैं, तो अब इन रंग के साथ में इनका सीरीज ये रखी थी और ये कितने वोल्टेज सॉरी कितने रंग क्या कहते हैं वैल्यू कितनी होगी रेजिस्टेंस की, ठीक है। आपको रंग कौन कौन सा देगा मैं बता देता हूँ, देखिए हम उसी रंग का कर देते हैं, लाल रंग, ठीक है। पहला है आपका लाल रंग, उसके बाद है बैंगनी रंग का, बैंगनी को थोड़ा इससे देख लेंगे, बैंगनी, उसके बाद है नारंगी, तो ये नारंगी कलर हो गया, और उसके बाद है सोने का कलर यानी कि गोल्डन, तो इसको येलो से शो करते हैं, ये कलर है। अब इसका बताना है आपको आंसर क्या होगा। देखिए अब जो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए, जो आपका लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग का तो हो गया वैल्यू 2 और बैंगनी रंग की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आया, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर की हो गई 6 और गोल्डन कलर का आ गया आपका 5। इस तरह से कुछ इसकी वैल्यू आएगी, तो यानी कि 25,000 के आसपास वैल्यू आएगी, 25,000 से लेकर 28,000 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, तो यही इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। कलर कोडिंग एक अलग से चैप्टर बना के आपको समझा दिया जाएगा, तो वहाँ आप अच्छे से कलर कोडिंग समझ सकते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग के लिए अलग से चैप्टर बढ़ा दिया जाएगा आपको, क्लियर है अभी तो ये। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द रीजन फॉर वेरियल वोल्टेज इज मोर, यानी कि सिलिकॉन मटेरियल में, ये क्वेश्चन मिक्स है क्या? हाँ मिक्स है, नहीं अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सबके क्वेश्चन है ये। सिलिकॉन मटेरियल में बैरियर वोल्टेज क्यों ज्यादा रखा जाता है? सिलिकॉन मटेरियल में व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर, सिलिकॉन मटेरियल में बैरियर वोल्टेज का मान अधिक रखा जाता है क्यों, क्या कारण है, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी? जो सिलिकॉन मटेरियल में बैरियर वोल्टेज का मान अधिक रखा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे, हाँ क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल में बैरियर वोल्टेज का मान अधिक क्यों रखा जाता है? ताकि परमाणु संख्या कम हो, कम परमाणु संख्या के लिए ही बैरियर वोल्टेज का मान अधिक रखा जाता है, ठीक है। कम परमाणु संख्या हो इसीलिए सिलिकॉन मटेरियल में मान कम रखा जाता है, नहीं। 16 का आंसर होगा आपका ए, लो एटोमिक नंबर। डोपिंग परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, डोपिंग से कोई इसका मतलब नहीं है, इसका अर्थ है लोअर एटॉमिक नंबर से। अगला प्रश्न क्या कहता है, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा, यानी कि व्हाट इज द रीजन फॉर वाइडेंट बैरियर इन अ रिवर्स। अब आपके सामने मान लीजिए कोई रिवर्स बायस डायोड है, अब उसमें जो बैरियर है वो चौड़ा है, बहुत ज्यादा चौड़ा होने का कारण क्या है? दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होते हैं, एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक तेजी से पॉजिटिव मटेरियल में चला जाता है, पी सामग्री में होल नेगेटिव टर्मिनल के लिए आकर्षित
होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़े और क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर देंगे। क्या होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर वाइडेंट बैरियर इन अ रिवर्स बायस? रिवर्स बायस डायोड में जो बैरियर है ना वो बहुत ज्यादा चौड़ा है, जो बैरियर है वो बहुत ज्यादा चौड़ा है, तो क्यों है वो बताएं। इसका उत्तर डी होगा दोस्तों, ताकि। क्यों रखा जाता है? ताकि इलेक्ट्रॉन्स और होल ज्यादा से ज्यादा सप्लाई टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो सकें। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा से ज्यादा सप्लाई टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो सकें, इसीलिए रिवर्स बायस वोल्टेज में बैरियर का मान बहुत ज्यादा चौड़ा रखा जाता है। देखिए ये आपका है, ये पी है और ये एन है। फॉरवर्ड कंडीशन में तो ये गैप बहुत छोटा होता है, बट जैसे हम लोग बात करते हैं रिवर्स की, रिवर्स कंडीशन में, तो रिवर्स कंडीशन में ये गैप बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स सप्लाई की तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये होता है रिवर्स बायस कंडीशन में, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। यस सर कमेंट करें अगर सभी लोगों को क्लियर है तो, यस सर करके मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत कम बच्चे आज की क्लास में आए हैं और पढ़ के भी नहीं आए हैं, दोनों ही बातें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आपके सामने फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम दे रखा है, अब बताएं कि इसमें आउटपुट क्या होगा? कोई आउटपुट नहीं होगा, रेटेड आउटपुट होगा, हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट होगा, या रेटेड आउटपुट को दुगना करना पड़ेगा? क्या उत्तर होगा? अब आपके सामने डायग्राम है, देखिए एसी सप्लाई दे रखी है, बट यहां पे किसी भी तरह से कनेक्शन तो ओपन है, कनेक्शन ओपन है, ठीक है। तो इसका, इस सिंबल का, इस डायग्राम का, ये तो डायग्राम दे रखा है सर्किट का, इसमें क्या आउटपुट मिलेगा आपको? रेटेड आउटपुट, हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट का डबल, या कुछ भी नहीं। तो गाइस ये ओपन है, इसमें देखिए दोनों डायोड एक ही दिशा में काम कर रहे हैं आपके, तो यहां जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कुछ, आप लोग क्या टिक करेंगे? यहां पे आपको किसी भी तरह से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए नो आउटपुट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सर्किट। ओपन सर्किट है, किसी भी तरह का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में, यानी कि बहुत तरह के फिल्टर हैं, अब कौन सा फिल्टर है जो कि वोल्टेज स्पाइक्स, जो है ना वोल्टेज में ऐसे ऐसे स्पाइक्स आ जाते हैं, इसी वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ऐसे करके स्पाइक्स आ जाते हैं, तो ये स्पाइक्स को हटाने में कौन सा फिल्टर सक्षम है? एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर, फिल्सर फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, या सीरीज इंडक्टर फिल्टर, बताएं। नहीं, गलत आंसर दे रहे हो। देखो आज मुझे बिल्कुल पहुंचा नहीं आ रहा है, एलसी फिल्टर। आप लोग पढ़ के नहीं आए हो ना, तो मुझे क्वेश्चन कराने में जब तक आप पढ़ के नहीं आओगे ना, तो मजा नहीं आएगा। आप समझ रहे हो दोस्तों, ऐसा नहीं है जो आप एक घंटे की क्लास ले तो हो गया काम। आप डेली जितने चैप्टर का रिविजन हो सके, जितना हो सके, देखिए अभी आप मानिए मैं डिप्लोमा के बच्चों को भी पढ़ाता था कॉलेज में, तो कल जब उनका टाइम टेबल आ गया ना, सब लोग हक्के बक्के रह गए कि सर अचानक से एग्जाम आ गया, सर कैसे कंप्लीट होगा, सर क्या होगा, पढ़ाई छोड़ देती। तो यही तो होता है, अभी मान लो आपका अचानक से पेपर आ जाए, उनके 20 दिन में पेपर है, 20 दिन में भी नहीं, कम बहुत कम दिन में, अब वो कैसे तैयारी करेंगे बताइए। तो आपके साथ भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, जल्दी आपके पेपर होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग रखिए कि पेपर कभी भी आ जाए हम लोग कर सकें। अब देखिए फर्स्ट ईयर में मान लो आप लोग पास हो भी गए हो, फालतू क्या पता सेकंड ईयर में गलती से भी बैक आ जाए, और बैक ना भी आ रही हो तो आप लोग कम से कम अच्छे नंबर लाएं, जिससे हमें अच्छी जॉब मिले, उसके लिए अच्छे नंबर लेके आना, तो हमारे पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे से रोज रिवीजन करो, रोज पढ़ो जितना हो सके, वीडियोस देखो, बार बार पढ़ो। आपको कहीं जाने की जरूरत है कि यार नहीं मुझे टीचर नहीं मिल रहा, पढ़ा नहीं पा रहे, सारी चीजें अवेलेबल, मैं एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ, टॉपिक वाइज सीरीज आपको मिल रही है, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है, यानी कि
विच इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द आउटपुट स्टेज। किसी भी ड्राइव में आउटपुट की स्टेज में जो हम अलग अलग कंपोनेंट इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रॉनिक, उसमें सबसे बेस्ट वर्जन कौन सा है? FET, UJT, SCR और IGBT बताएं। FET, UJT, SCR और IGBT बताइए। क्यों 1 बजे तक क्यों लेना है हेमंत जी? आप टाइम पे तो आते नहीं हो, मैं फिर क्लास 1 बजे तक क्यों लूं? दूसरी बात, ना तो आप अभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, किसी भी क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया है, फिर 1 बजे तक क्लास किस लिए ली जाए? आप मुझे कारण बताएं। आपको अगर आंसर नहीं आते, देखिए अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दूं, ठीक है ना, कि ये आंसर होगा, तो इसका क्या अर्थ है? फिर तो PDF लो, उसमें सारे आंसर हैं। आप लोग पढ़ के आए और फिर आंसर देने की कोशिश करें, यहाँ पे मजा तो तब है ना यार, मजा तो तब आएगा, ऐसे तो कोई मजा ही नहीं है, समझे? सो इसका आंसर होगा IGBT। IGBT एक लेटेस्ट डिवाइस है जो कि एडवांस वर्जन है DC ड्राइव में, जो आउटपुट की साइड में हम लोग लगाते हैं। चलिए अब देखिए, अभी मैं आपको अपने चैनल पे लेके चलता हूँ, 2 मिनट रुकेंगे सभी लोग। चलिए एक बार सभी लोग पहले यस सर कमेंट करेंगे, जो जो भी प्रेजेंट हैं यस सर कमेंट करें, यस कमेंट करके मुझे बताएं। देखना चाहता हूँ कौन कौन अभी क्लास में अभी तक प्रेजेंट है, फटाफट से सभी लोग एक बार यस कमेंट करके बताएं मुझे। पवन, यश, हेमंत, हेमंत जी आज आप लेट कैसे आए हैं? 3 लोग, बाकी लोग भी कमेंट करें, सूचित करें जल्दी से। हार्ड तो क्या थे, देखिए अगर अपना, देखिए अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी मान लीजिए मैं कोई आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ, मैं उसमें बोलता हूँ रमेश की माता जी का नाम क्या है, विमला, कमला, सुनीता, अनीता, तो क्या आप बता सकते हो कि रमेश की माँ का नाम क्या है? जब तक आपने रमेश की पूरी कहानी नहीं सुनी, आपने रमेश के माता पिताजी का नाम नहीं पता, आप कैसे बता सकते हो आंसर? तो ऐसे ही जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, चैप्टर नहीं पढ़ोगे, आप कैसे आंसर दे सकते हो महेश जी? इसीलिए आपको क्वेश्चन हार्ड लगे, बाकी वाला आपने पहले कुछ पढ़ा होगा इसलिए आपको इजी लगे, ठीक है? हार्ड लगने का कारण यही था। सो आप कल अच्छे से पढ़ के आइए। देखिए स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जो मैंने पढ़ाए नहीं थे, तो मैंने बता दिया कि हाँ यार ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया पता है। अब देखिए मैं आपको कमेंट, चलिए कोई नहीं कर रहा, कमेंट रोकते हैं। देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर, देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है क्लास 7 से, 1, 2 क्लास नंबर 7, 8, 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक खत्म हुआ 3 चैप्टर में, फिर 10 नंबर की क्लास है ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर की, ठीक है ये 2 क्लास में खत्म है। उसके बाद देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, युक्तियाँ एवं IC रेगुलेटर, ये लगभग 2 क्लास में खत्म हुआ है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने 2 क्लास में खत्म करा है। ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर 2 क्लास में खत्म करा है। लगभग आपकी 10 से 11 क्लास है। देखिए 1 क्लास 1.5 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10.5 घंटे, 11.5, 9.5, 10, लगभग 10 से 11 घंटे का टाइम है। तो आप चाहें तो सिर्फ 2 घंटे में, और देखिए डबल स्पीड में अगर वीडियो कर लें तो आप सिर्फ 5 से 6 घंटे में ही सारा निपटा सकते हैं अच्छे से, और फिर आप देखिए क्वेश्चन लगाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट कब होंगे? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? सो क्या मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आज, सर एक दिन में कैसे? बिल्कुल कर सकते हो, डबल स्पीड में करके आप आंसर कर सकते हो। देखिए आज का पूरा दिन है, कल 11 बजे क्लास होगी, और कल हो सकता है क्लास हो या ना हो, संडे का दिन है, बट जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ो। और अगर ये 5 चैप्टर आप किताब से पढ़ोगे ना, तो आप 10 दिन में भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते, और मैं आपको सिर्फ 5 घंटे में करा रहा हूँ, 10 घंटे में करा रहा हूँ। तो कल आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? कल आप सभी लोग अच्छे से रिविजन करके आएंगे और फिर देखिए क्वेश्चन करेंगे। सो महेश जी आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, सभी क्वेश्चन आप टिप से करोगे। और दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम आ सकते हैं, 21 सितंबर से आपके कॉलेज खुल रहे हैं, कभी भी आपके एग्जाम की डेट भी आ सकती है, एग्जाम फॉर्म आपके भरवाना स्टार्ट हो सकता है। सो अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन रखिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जितने भी स्टूडेंट है सभी लोगों से मुझे बहुत लगाव हो गया है, और सभी लोग अपने अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, बस यही मैं चाहता हूँ।
तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए रिवीजन। सभी लोग मुझे बताएं कौन कौन कल रिवीजन करके आएगा, अच्छे से पढ़ के आएगा वही बताएं। और जो नहीं पढ़ सकता, मैं किसी से कोई गिला किसी से कोई शिकवा नहीं है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो देखिए, पढ़ोगे तो फायदा आपका है, नहीं पढ़ोगे तो भी आप नुकसान आपका है, मेरा कोई फायदा नहीं है कोई नुकसान नहीं है। दो दो तीन तीन जीबी डेटा मिलता है ऐसे ही वेस्ट कर देते हो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चलाने में पबजी खेलने में। सो उससे अच्छा तो आप लोग इस्तेमाल करें। और ये सारे चैप्टर देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरऑल रिवीजन चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन चल रहा है, तो इसमें ही सारे चैप्टर आ गए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके जो युक्ति थी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो है ना ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर तक। और जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, तो भैया लाइक कर दो, शिक्षक दिवस के अवसर है, ऐसे मत करो, ठीक है। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और कल मैंने कुछ जो ऑफलाइन वीडियो अपलोड करता हूँ, सर सही पढ़ सकते हैं ना, हाँ बुक से भी पढ़ सकते हो, वीडियो देखे पढ़ो, वीडियो देखे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा और जल्दी समझ आएगा। कल तो मैंने एक दो वीडियो अपलोड की थी रात में, वो भी वीडियो लाइक करें। और अभी कुछ ही देर में मैथ्स की क्लास, यही सारे चैप्टर पढ़ के आने हैं कल मैथ्स। अभी मैं कुछ ही देर में मैथ्स की क्लास अपलोड करूंगा, तो उस क्लास को पूरा 1 घंटे की लगभग क्लास है, 53 मिनट की, पूरा देखेंगे समझेंगे, और कल मैथ्स की क्लास के क्वेश्चन होंगे। और मैथ्स की क्लास को अगर आप शेयर करोगे, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, कम से कम 25 से 30 बच्चे उस पर लाइक आएंगे, तभी मैं मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं मैथ्स की क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखें, ठीक है। मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि मैथ्स की क्लास कराई जाए, ये तो आप लोग हैं जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। सो अगर आपको, हाँ मजा आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप पढ़े तभी मजा आएगा। सो मैथ्स की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।